नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्य। प्रिय बंधुओं, ज्योतिष धर्म चरण में आपका स्वागत है। पंडित राज जगन्नाथ ज्योतिष शोध संस्थान के अंतर्गत आज हम कर्क राशि और लग्न वाले जातकों का जुलाई माह का क्या फल होगा, इसका विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत कुंडली कर्क लग्न की है। इस जुलाई महीने के प्रारंभ में एक विशेष योग सूर्य और बुध आपके द्वादश भाव में बना रहे हैं। पाराशर का एक बड़ा सुंदर नियम है जिस पर ज्योतिषीय चर्चा होती है और बहुत टीकाएं इस विशेष श्लोक पर की गई हैं कि लग्नात् व्यय द्वितीयेषु परेषां साहचर्यतः स्थानांतरण गुणीयेन भवतः फलदायको। तो स्थानांतरण गुणीय जो है, इस पर ज्योतिष जगत के अंदर प्राचीन आचार्यों में और अभिनव आचार्यों में बहुत डिस्कशन हुआ है। फिर भी चलो उसमें मैं नहीं जाता, किंतु यह द्वितीय और व्ययेश दोनों एक साथ बैठ करके आपका विशेष योग बना रहे हैं। यदि आपका कोई संबंध विदेश से है तो उससे आपको लाभ होगा। आप अपने जन्म स्थान से यदि दूर हैं तो आपको विशेष लाभ होंगे। यही सूर्य बुध यदि पहले आ जाएंगे लग्न भाव में, किंतु सूर्य भी उसके साथ आ जाएंगे और यह शुक्र भी ज्वाइन कर लेंगे 6 जुलाई को, और 16 जुलाई के आसपास सूर्य इसको योग को, यह तो योग पुनः दोबारा लग्न में तैयार होगा। तो ये विशिष्टता आपके व्यक्तित्व में, आपके मान में, आपके सम्मान में बहुत उत्पन्न करेंगे, क्योंकि 2 शुभ ग्रह आपके लग्न में होंगे और गोचर करते हुए चंद्रमा जब यहां से निकलेंगे तो उस समय में आपके मान प्रतिष्ठा यह सब में बहुत वृद्धि करेंगे। द्वितीयस्थ मंगल जो कि कर्क लग्न के लिए विशेष राजयोग कारक है, केंद्र त्रिकोण की ये स्वामी है, और तृतीयेश और व्ययेश बुध के साथ महीने के अंत में इनकी युति होगी तो यह भी विशेष योग कारक होगी। मंगल यहां पर बैठ करके राजयोग कारक तो है ही, मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव पर आ रही है तो संतान पक्ष से आपको विशेष सूचनाएं, विशेष लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही इस शनि की 10वीं दृष्टि संतान पक्ष पर है तो वह थोड़ा घर में परेशान रहेगा, घर के बाहर उसको बड़े लाभ प्राप्त होंगे। तो अपने साथ ही आप अपने पैर का भी ध्यान रखें, क्योंकि अष्टम स्थान का शनि अचानक पैर में दर्द कष्ट परेशानी देता है। बृहस्पति एक विशेष योग बना रहे हैं केंद्र में, उपचय स्थान में भाग्येश का जाना, तो आपको पिता से, आपके पिता को विशेष लाभ प्राप्त होगा। इस बृहस्पति की दृष्टि धनवाप पर भी है और धन और जो जिस भाव में बृहस्पति बैठी है, इस भाव का जो स्वामी है मंगल, उसको भी बृहस्पति 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो अत्यंत भाग्यशाली योग आपका बना रहे हैं। भाग्येश 10वें को देख रहे हैं, इन बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर होगी और आपके 6ठे भाव पर होगी, तो ये आपको जॉब नौकरी आदि में बहुत सफलता और उच्चता प्रदान करेंगे। विशेषकर जो जॉब के इच्छुक है, जो नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या जिन्होंने इंटरव्यू इत्यादि दिया है, कर्क राशि और लग्न वाले जातकों के लिए 28, 29, 30 तारीख को उनको ऑफर लेटर या कोई अच्छी सूचना अपने जॉब के संबंध में निश्चित ही प्राप्त होगी। किंतु एक विशेष योग्य बुध यहां देने, क्योंकि बुध व्ययेश भी हैं, तो आपके कोष को ये खाली करेंगे इस महीने में। शनि की दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ रही है, शनि आपके कुंडली के लिए अकारक है, तो धन आपका जो आ रहा है, जिसके बहुत सारे साधन बन रहे हैं, उसके जाने के थोड़े कम साधन बने। लक्ष्मी तो आती जाती है, किंतु आती हुई लक्ष्मी अच्छी लगती है, पर आपकी लक्ष्मी जाएगी भी तो क्योंकि 9वें मंगल के साथ में व्ययेश है, तो अच्छे कार्य में आपको जो खर्च होगा वो बड़े आनंद प्रदान करेगा, वो प्रसन्नता प्रदान करेगा, तो वह और अच्छी स्थिति में रहे तो देवी के मंत्रों का या देवी का ध्यान, हनुमान चालीसा का पाठ यह आपको अवश्य करना चाहिए। 7, 15, 16, 25, 26 आपके लिए अशुभ दिन है। 8, 9, 10, 11, 18, 19, 27 आपके लिए बहुत शुभ दिन है। जैसा कि मैंने पहले कहा, 28, 29, 30 ये दिन बहुत अच्छे हैं। इन 3 दिनों में आपको और अच्छी सूचनाएं, खबर प्राप्त होंगी। इस प्रकार आपका ये जुलाई का महीना बीतेगा। आप सभी से निवेदन है
कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। जय जय श्री राधे।